सभी को नमस्ते। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज मैं आपको सिंपल प्लाजो की कटिंग बता रही हूँ। ये मैंने लेंथ ले ली है और ये देखिए ये डबल है और लेंथ ली है मैंने, जितनी हमारी लेंथ है उसमें 2.5 इंच ऐड किया है। और ये कमर के लिए लिया है, कमर जितनी है उसका चौथा हिस्सा करके उसमें प्लस 4 इंच किया है और इतना ही यहाँ से नाप लिया है। और ये आसन ले रही हूँ, आसन लिया है मैंने 10.5 इंच का और ये यहाँ से 2.5 इंच ज़्यादा लिया है मैंने इधर, और ये 4 इंच लेके और ये मैंने गोलाई कर दी है इधर आसन की। और अब ये जितना ये हिप से लिया है उतना ही नीचे से लेके और इसका अब आप कर लेंगे आप करके। अब जितनी हमने अपनी मोरी रखनी है उस हिसाब से निशान लगा लेंगे। जैसे मैंने 10 की तैयार करनी है तो 1 इंच ज़्यादा ली है मैंने, 11 इंच ली है। और ये लिया है अंदर फोल्ड करने के लिए, नीचे मोरी को फोल्ड करते हैं उसके लिए लिया है ये ज़्यादा। और ये हम अब फट्टी से ऐसे मिला देंगे दोनों साइड से। इस हम ऐसे काटेंगे तो इसमें कोई भी खिंचाव नहीं आएगा, नहीं ऊपर उठेगा ये प्लाजो। काटने का तरीका समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। पैंट प्लाजो में क्या होता है, अगला भाग कम कटता हो और पिछला ज़्यादा, लेकिन इसमें दोनों बराबर ही कटेंगे। ये देखिए मैंने काट दिया है ये एक भाग। अब इसको साइड करके और ये कपड़े को और हम अच्छे से बिछा के और जो अब काटा था मैंने उसको इसके ऊपर रख लेंगे ऐसे। और ये हमने जो पिछला भाग है वो आसन की तरफ से 2.5 इंच ज़्यादा लेना है यहाँ से, और इसको हम ऐसे तिरछा मिला देंगे ताकि हम उठते बैठते समय पीछे से खिंचाव ना आए। ये सेम ही कटेगा, ज़्यादा कम नहीं कटेगा, ये दोनों तरफ से बराबर कटेगा। देखिए ये दोनों तरफ से बराबर काटा है मैंने, बस जो आसन का है उसमें मैंने 2.5 इंच ज़्यादा लिया है। ये बहुत जल्दी कटता है और सिलता भी इतना ही जल्दी है। इसमें बेल्ट हम अलग से लगाएंगे जैसे पैंट में लगाते हैं, और इसमें जेब भी लगेगी। ये यहाँ से बेल्ट काटूंगी मैं, लेकिन इसमें जोड़ लगेगा, ये कम है कपड़ा तो इसमें हम जोड़ लगा लेंगे। और जेब कटेगी उसमें भी जोड़ लगेगा, उसमें जोड़ लगा के तब मैं जेब की कटिंग करूँगी। और अब मैं ये सील रही हूँ। सीलते हुए ये पहले हम आसन को जोड़ेंगे, आसन की सिलाई करेंगे, आसन पे हम डबल सिलाई लगाएंगे। ये मैंने पिछले भाग का आसन जोड़ा है, अब ये हम अगले भाग का आसन सील रहे हैं। और ये ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ के तब सिलाई की है इसकी। ये देखिए, और साथ साथ हमने धागे काटते रहना है। मैं सभी वीडियो में ये बताती हूँ। एक साइड से थोड़ा कम रह गया था, ये जोड़ लगाया था मैंने। और ये अब मैं जेब लगा रही हूँ, जेब हम सीधी साइड ही लगाएंगे। ये देखना जो हमारा सीधा हाथ होता है, राइट हाथ, उस तरफ ही लगाएंगे।
और ये मैंने ऊपर से 2 इंच छोड़ के और ये नीचे लंबाई ली है 5.5 इंच तक की है ये हमारी जेब जहाँ हम हाथ डालेंगे वो जगह मैंने 5.5 इंच छोड़ी है और ये कट करके और ये हम इसको ऐसे होल्ड कर देंगे अंदर की तरफ और ये अब हम किनारी से सिलाई लगाएंगे। जेब लगाना भी बहुत ही आसान है, आजकल सभी जेबें लगवाते हैं, प्लाजो हो या पैंट हो या सिंपल पलजामा हो सभी लगवाते हैं जेब। अब हम इसको इस साइड पलट के और ऐसे सिलाई लगा देंगे और इसको हम सीधा कर देंगे। सीधा करके अब इसके ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे अब ये ऊपर से यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमारी जेब तैयार है, ये देखिए हमारी जेब ऐसे बनी है। और अब ये देखिए ये हमारा पिछला भाग है, अब इसके ऊपर रख के अगले भाग को जो हमने जेब लगाई थी पहले वही भाग रखना है और अब ये हम स्टिच करेंगे। और ये ध्यान रहे हमारी जेब ना दबे, ये ऐसी हमारी जेब की जो किनारी है उसके पास से सिलाई लेके आई हूँ मैं और ये कम से कम 1/2 इंच कपड़ा दबाना है हमने। अब हम इस साइड भी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए आपको मैं भी दिख रही हूँ धागे मैं बार बार काट रही हूँ, कोई भी धागा नहीं छोड़ रही। हम धागा छोड़ेंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी और फिनिशिंग लानी है हमने तो वो हमारे हाथ में है। और ये देखिए अब मैं ये बेल्ट लगा रही हूँ और बेल्ट में मैंने बताया था बेल्ट हमारी छोटी थी तो इसमें जोड़ लगेगा। और अब इसको ऐसे सिलेंगे जो आसन में 1/2 इंच कपड़ा छोड़ा था वो मैंने इसलिए छोड़ा था बेल्ट सिलने के लिए। और कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं तुरंत बताऊंगी। और कुछ भी आपको सीखना है तो वो भी बता देना, मैं वो भी बता दूंगी आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं सील सकती, मैं सभी कुछ सील लेती हूँ। अब इसको हम ऐसे सील देंगे और अब इसको हम नेफे को मोड़ेंगे ऐसे। अब इसमें फिर नेफे को मोड़ के हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे। और नेफे को हम मोड़ते समय इसमें खिंचाव नहीं करना है, ये देखिए आराम से इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ, इसमें कोई खिंचाव वगैरह झोल वगैरह कुछ नहीं है। अगर झोल आ भी जाता है तो वो भी हम इसमें आसानी से कर सकते हैं। ये छोड़ा है मैंने इलास्टिक डालने के लिए और ऊपर इलास्टिक डलेगी, अगर झोल भी आता है तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं।
और ये काटी है मैंने 28 इंच की काटी है हमारी कमर के हिसाब से। अब इसको हम ऐसे सिल लेंगे। ये हमने डबल कई मशीन लगाई हैं ताकि पक्का रहे। और अब ये भी हम स्टिच कर देंगे। और इसको ऐसे बराबर करके ये देखिए ऐसे नाप लेना हमने बराबर है। और ये अब एक सिलाई बीच से लगेगी, बस एक ही सिलाई बहुत है। ऐसे लगा देंगे। मैं देखिए बिल्कुल आराम से दिखा रही हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। मैंने ज़्यादा स्पीड भी नहीं बढ़ाई है वीडियो की। ये देखिए इतने अच्छे से लगी है। और अब ये आपको नीचे से फोल्ड करने के लिए निशान लगा रही हूँ। और जितनी हमने मोरी लेनी है मोरी के हिसाब से अब इस पे ऐसे फट्टे से निशान लगा लेंगे। ऐसे इस साइड लगा लेंगे। ऐसे निशान लगा के और अब इसमें बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा। पहले हम नीचे से फोल्ड करेंगे, पहले हम लंबी सिलाई नहीं लगाएंगे। नीचे से फोल्ड करके और फिर हम लंबी सिलाई लगाएंगे तो उसमें खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आता। ऐसे ही हम इसको भी अंदर फोल्ड कर देंगे। अब हम लंबी सिलाई लगाएंगे। ये 9.5 की मोरी रखी है मैंने। और ये देखना बीच में हमारा आसन मिलना चाहिए, आगे पीछे ना हो। ऐसे और ये भी डबल सिलाई लगेगी। कैसी लगी वीडियो दोस्तों बताना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।